আপনারা দেখছেন খবরের দুনিয়া। রাজু বিশ্বাস জি এমপি বন গিয়া আর নিরঞ্জন জিমা জি ভাই ইলেকশন এমএল বন গিয়া উনকো হম শুভেচ্ছা আমরা শুভেচ্ছা দেন বধাই দিতে হ্যাঁ। আনে বলা দিন মে রাজু বিশ্বাস জি আর নিরঞ্জন জিমা জি পাহাড় কে লিয়ে আচ্ছা কাম করে আর উম্মীদ রাখতে হ্যাঁ দোনো। বিনয় জি, ইস পাহাড় কে ইস রিজেকশন কে বজা কে আ সকতে হ্যায়, কিউ এসে রিজেক্ট হুয়া? দেখিয়ে 17 মহিনা তক হম লোক পে কাম কিয়া থা মিটিং আর অপয়েন্টমেন্ট ভি দিয়া, লেকিন কিস চিজ মে পাবলিক নারাজ হ্যায় वो हम लोग देखना चाहेंगे। तो दो चार दिन के बाद में हम लोग इस जो चैनल कमेटी की मीटिंग जरूर देखेंगे। देखिए जी के में आप लोग थे तो हम लोग जी एन एल बोल रहा है जो एक तरह का रिजेक्शन है, तो जीते के बारे में क्या सोचेंगे आप लोग? देखिए ये जीते का बारे में हम देखिए राजा सरकार कहीं करके वही करेंगे, लेकिन हम लोग चाहते हैं कि राजा सरकार के साथ अपने हम लोग अनुसार से हम लोग बने रहेंगे और इन लोगों को What next in your politics career? Yes. What next in your career of the politics? No, पॉलिटिक्स में तो हम लोग जाएंगे। मैंने बताया कि एक हार से पॉलिटिक्स का खत्म नहीं होगी, तो देखिए पॉलिटिक्स में आने वाले दिन में हम लोग स्ट्रेटेजी क्या बनेगा वो अपना हैविंग द मीटिंग विद सेंट्रल लीडर्स। पूरा देश में आज जो बीजेपी का जो हवा चल रही है, रिजल्ट जो दिख रहा है, ये क्या आप सोचते हैं इसके ये दार्जिलिंग का रिजल्ट होने का कारण ये प्रो मोदी या एंटी ममता कोई इधर भी? एंटी ममता कोई इसमें एंटी ममता और प्रो मोदी का बात नहीं है। देखिए और स्टेट में हो सकता है लेकिन दार्जिलिंग में ऐसा नहीं है और बंगाल में ऐसा नहीं है। द पॉलिटिकल एक्सपर्ट का कहना है पहाड़ में ये विमल गुरुंग का इफेक्ट इलेक्शन में आ गया, आप मानते हैं? ना ना, विमल गुरुंग का इफेक्ट नहीं है, तो सिर्फ यहाँ पे बीजेपी का तो जैसे भी जो चार सेगमेंट असेंबली सेगमेंट है वो जो रिजल्ट आने वाला तो हम लोग उम्मीद कर रखे थे उसमें भी माइनस होगा। सामने तो जीटीए का भी चुनाव में वो तो देखिए जीटीए का चुनाव तो होने वाला है, तो जीटीए पंचायत के इलेक्शन भी तो इस बार जीटीए का इलेक्शन में है साथ साथ। आज आ गया, हम लोग भी बूथ वाइज देखेंगे क्या क्यों नाराज है पब्लिक, हमारे हम लोग के साथ में पब्लिक का मैंडेट क्यों उस तरफ चला गया, उसको हम लोग देखेंगे। उसके बाद में हम लोग ऑर्गेनाइजेशन को स्ट्रॉन्ग करने के लिए कोई चेंजेस आज ममता दीदी के साथ कुछ बातचीत हुआ, कोई फोन कॉल? अभी तक नहीं हुआ है, शाम को। थैंक यू।